सत श्री अकाल दोस्तों, अज की वीडियो के आपां इंटैलीजेंसी की कुछ थ्यूरीज नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। यह वीडियो तुहाडे पीएसटेट के एग्जाम लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है जी। सारे नालों पहला आपां समझते हैं इंटैलीजेंसी हुंदी की है। इंटैलीजेंसी नूं आपां जे डिफाइन करना होवे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जे कोई आपां प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जी, उहदे विच आपां इंटैलीजेंसी की वरतों करते हैं। जे आपां रीजनिंग करते हैं उहदे विच भी इंटैलीजेंसी की वरतों करते हैं। अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग लई किसी भी एनवायरमेंट दे विच तुसीं अडैप्ट किन्नी छेती कर लैंदे हो, यह भी इंटैलीजेंसी ते डिपेंड करता है। ते इंटैलीजेंसी जिहड़ा शब्द है, यह लतीनी शब्द है, एक इंटैलीजेंसिया उस तों लिया गया है। इहदा मतलब हुंदा टू अंडरस्टैंड। जे आपां गल करिए हैरिडिटी दी, ते इह जिहड़ी टर्म है इह दित्ती सीगी सर फ्रांसिस गैल्टन ने, जिन्हां ने एक किताब भी लिखी सीगी। तो इन्हों फादर द फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता। तो इन्होंने जी किताब लिखी सी वह नाम है हैरिडेटरी जीनियस। एक बार फिर तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने हैरिडिटी नाम की टर्म दी सी, इन्हों फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी सी हैरिडेटरी जीनियस। हुण आपां गल करते हैं जी इंटैलीजेंस टैसट की, इहदे विचों भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अल्फ्रेड बिने नाम के एक परसन हुए थे जी, इन्होंने 1905 के फर्स्ट इंटैलीजेंसी टैसट दिता सीगा। तुसीं मेरियां गल्लां नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है। तो 1912 के विलियम स्टर्न ने इंटैलीजेंसी कोशेंट का कह लो कि इन्होंने कंसैप्ट दिता सी। तुसी इस गल का खास ध्यान रखियो, आईक्यू का कंसैप्ट दिता सीगा विलियम स्टर्न ने। अल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटैलीजेंसी टेस्ट दिता सीगा जी, मतलब कि इन्हां द्वारा फर्स्ट कंडक्ट करवाया गया सी। ते जे आपां गल करिए लुईस टर्मन की, आईक्यू का जिहड़ा फॉर्मूला है मेंटल एज ते क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100 का, यह दिता सीगा लुईस टर्मन ने। रेंजुली नाम के परसन की भी कह लो एक हैगी है इंटैलीजेंसी थ्योरी, जिहदे विच इन्होंने ए सी सी तो तुसी याद कर सकते हो, एबिलिटी क्रिएटिविटी ते कॉम्पिटेंस की इन्होंने गल की है। कई बार एग्जाम के सीधा तुहानू पुछ लिया जाता है कि रेंजुली ने इन्हां दे विचों कि चीज़ नहीं दिती सीगी। जेकर तुहानू याद होगा एबिलिटी क्रिएटिविटी कॉम्पिटेंस हैगा सी, तो चौथी ऑप्शन ही सही होगी। सो याद कर लियो, रेंजुली ने भी एक इंटैलीजेंसी थ्योरी दिती सी ACC, एबिलिटी क्रिएटिविटी एंड कॉम्पिटेंस। हुण आपां गल करदे हां जी कि आपां बच्चों के मैंटल लैवल नूं मैजर करन लई कुछ स्कोर दिते हुए हैं जी। जिवें कि आपां गल करिए जीनियस दा, इहदा 140 तो या फिर 140 तो अबव जिहड़ा स्कोर हुंदा है, जिहड़े वैरी सुपीरियर हुंदे ने जी, उहनां दा 130 तो 139, सुपीरियर दा 120 तो 129, अबव एवरेज जिहड़े हुंदे ने जी 110 टू 119, उस तो बाद नॉर्मल एवरेज है जी 90 तो लैके 109, बिलो एवरेज 80 तो 89, डल और बॉर्डर लाइन का कह लो 70 टू 79, मोरन और फीबल माइंड 50 टू 69, इम्बेसाइल का कह लो 25 टू 49, तो जिहड़े ईडियट हुंदे है जी 0 तो लैके 24। एक कुछ स्कोर है जी, कई बार सीधे तुहानू एग्जाम दे विच इह भी पुछ लिया जांदे आ कि जिहड़े बच्चे हैगे जीनियस उहनां दा किन्ना कह लो कि है ना आईक्यू हुंदा, ये मेनली स्कोर दिता हुआ इतने इन्ना इन्ना आईक्यू दिता हुआ। हुण आपां थ्यूरीज ऑफ इंटैलीजेंसी की जे गल करिए, तो यूनीफैक्टर थ्यूरी, ठीक है जी, जिन्हों तुसी वन फैक्टर थ्यूरी भी कहते हो, यह मेनली अल्फ्रेड बिने दिता सीगा जी। अल्फ्रेड बिने द्वारा दी गई सी यूनीफैक्टर थ्यूरी, तो अल्फ्रेड बिने ने ही जिहड़ा पहला टैसट है जी इंटैलीजेंसी का उन्होंने द्वारा ही ये करवाया गया सीगा 1905 के, ठीक है जी। इन्होंने मेनली गल जिहड़ी की सी जनरल फैक्टर की, कि सारे बच्चों के या फिर किसी भी परसन के जनरल फैक्टर होंगे है जी, मतलब कि सिंगल फैक्टर थ्यूरी इन्होंने दी सी। यूनीफैक्टर थ्यूरी भी तुसी कहते हो अल्फ्रेड बिने ने, वन फैक्टर थ्यूरी गिवन बाय अल्फ्रेड बिने। हुण आपां गल करते हैं जी टू फैक्टर थ्यूरी की, यह दी सी जी चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ये मेनली इन्होंने जनरल फैक्टर की भी गल की है, स्पेसिफिक फैक्टर की गल की है। टू फैक्टर थ्यूरी फिर ही रखा गया ना नाम यदा, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। जनरल फैक्टर जेडे कि सारे होंगे, स्पेसिफिक फैक्टर वो किसी किसी परसन के वेखन को मिलते हैं, ठीक है जी। जिमें कि कुछ भाषा जिमें हर कोई बोल लैंदा, बट वो कोई एक अद्धा तुहानू परसन इहोजा भी वेखेगा जिहड़ा कि बहुत वधिया पेंटिंग करता होएगा, तो वह स्पैसिफिक फैक्टर के आ जाता है जी। हुण थर्ड नंबर पर है जी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंसी, जिन्हों दिता गया सीगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा। यह भी पीएसटेट के आया हुआ प्रश्न कि PCA, ये तुसी याद कर लेना है PCA के थ्रू, कि इन्होंने मेनली प्रैक्टिकल इंटैलीजेंसी, क्रिएटिव इंटैलीजेंसी, एनालिटिकल इंटैलीजेंसी की गल की है। प्रैक्टिकल इंटैलीजेंसी कॉन्टेक्चुअल होंदी है, क्रिएटिव इंटैलीजेंसी एक्सपैरिमेंटल होंदी है, एनालिटिकल एक कंपोनेंशियल इंटैलीजेंसी होंदी है, एनालिटिकल कंपोनेंशियल। हुण वेखदे हां जी अगली थ्योरी, अगली थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिन्हों दिता गया सीगा EL थॉन्डैक द्वारा। इहदे विच मेनली गल कीती सी इन्हां ने सोशल अबस्ट्रैक्ट ते कंक्रीट की। SCA तो तुसी याद कर लियो सोशल अबस्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट। हुण आपां गल करदे हां जी थर्स्टन की थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिहदे विच इन्हां ने ग्रुप फैक्टर जिहड़ी इन्हां ने थ्योरी दित्ती सी। इन्हां ने जी जिहड़ा फैक्टर सीगा इत्थे जिहड़ा दित्ता सी ना जी फैक्टर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने भी दिता सीगा यूनीफैक्टर थ्योरी नूं, अल्फ्रेड बिने ने दिता सी, इन्हां ने भी जी फैक्टर की गल की सी जनरल फैक्टर की। उन्होंने इन्हें क्रिटिसिजम की है कि इन्हां ने थर्स्टन ने, इन्हां ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी दित्ती सी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कह दें हो, इन्हां ने जिहड़ियां जी फैक्टर है जी उन्हूं क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्हां ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की थ्योरी दित्ती है। फैक्टर आर इंडिपेंडेंट, ये कहें कि जो फैक्टर है ये इंडिपेंडेंट है जी, स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल
ability, perceptual ability, numerical ability, verbal ability, word fluency, M to memory, R to reasoning. ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ, ਪੰਜ ਛੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਰਬੀ ਕੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਰਬੀ ਕੈਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਹਾਰਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਇਨੈਸਥੈਟਿਕ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ. ਵਰਬਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਬੋਡੀਲੀ ਕਾਇਨੈਸਥੈਟਿਕ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਰੇਮਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਪੀ ਗਲਫਰਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ. ਜੇਪੀ ਗਲਫਰਡ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥ੍ਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਟ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਓਪੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 180 ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ. ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ. ਗੋਡ ਬੈਸ ਯੂ ਆਲ. ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ.